Good morning children, welcome to class 2 computers. Children, in our previous video we were doing model test paper 2 from chapters 6, 7, 8 and 9. So children, from chapters 7 to 9. Children, in this model test paper we had completed some of the questions. Let us revise those questions and then we will move to the remaining questions. So children, first question was, tick the correct answer. In first question, children, we have keyboard is an example of an dash device. So children, as we know, keyboard is an example of input device. So children, we have studied about input devices and we have studied about input also. Input means giving instructions to the computer. As we know, computer is a man-made machine and it works only when we provide data, information or we give command. जब तक हम कंप्यूटर को डाटा नहीं प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे या फिर हम उसे कमांड्स नहीं देंगे, इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क. सो चिल्ड्रन, कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस बिकॉज वी यूज कीबोर्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. यूजिंग अ कीबोर्ड वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. दैट इज वाई कीबोर्ड इज नोन एज इनपुट डिवाइस. सो फर्स्ट आंसर पे आप इनपुट डिवाइस के सामने टिक करेंगे. नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. देन सेकेंड वन चिल्ड्रन, डैश प्रोग्राम इज यूज टू टाइप ऑन द कंप्यूटर. डैश प्रोग्राम इज यूज टू टाइप ऑन कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, कैलकुलेटर, नोट पैड. सो चिल्ड्रन, नोट पैड. नोट पैड इज अ प्रोग्राम और टेक्स्ट एडिटर. हम नोटपैड में कुछ भी लिख सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं. सो द आंसर इज डैश प्रोग्राम इज यूज्ड टू टाइप ऑन कंप्यूटर. सो हियर ऑप्शंस आर कैलकुलेटर, नोटपैड एंड नन ऑफ दीज. सो चिल्ड्रन, यू विल टिक इन फ्रंट ऑफ नोटपैड. नोटपैड इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू टाइप ऑन द कंप्यूटर. देन चिल्ड्रन, थर्ड वन, डैश इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. डैश इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. सो चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क, सेकेंड इज डीवीडी, थर्ड इज पेन ड्राइव. सो हियर वी हैव स्मॉलेस्ट वन इज द पेन ड्राइव. एज वी नो, पेन ड्राइव इज अ स्मॉल एंड ईजीली पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. आजकल कॉमनली इट इज यूज चिल्ड्रन. मोस्ट ऑफ द पीपल यूज पेन ड्राइव टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. सो हियर पेन ड्राइव इज मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग डाटा. देन चिल्ड्रन, सो यू विल पुट टेक इन फ्रंट ऑफ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. देन चिल्ड्रन, फोर्थ वन, टूल यूज टू राइट योर नेम विद इन अ ड्रॉइंग. टूल यूज टू राइट योर नेम विद इन अ ड्रॉइंग इज चिल्ड्रन ए. हियर यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस टूल इज अ टूल. दिस इज नोन एज टेक्स्ट टूल. दिस इज यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट इन अ ड्रॉइंग एरिया. अगर हमें कभी भी ड्रॉइंग एरिया में कुछ लिखना है तो वी यूज दिस टूल चिल्ड्रन. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड. टेक द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड वन इज चिल्ड्रन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे हम टी ट्रू के लिए लिखेंगे और एफ के लिए फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे. यू कैनॉट टाइप योर नेम इन नोट पैड. चिल्ड्रन, यू कैनॉट टाइप योर नेम इन नोट पैड. सो ये गलत है क्योंकि नोट पैड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो अपना नाम भी लिख सकते हैं. उसके बाद अ माइक्रोफोन इज एन आउटपुट डिवाइस. जैसा कि हम जानते हैं, जो माइक्रोफोन होता है इट इज एन आउटपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो नो चिल्ड्रन, माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस. क्योंकि माइक्रोफोन से हम बोल करके अपनी आवाज बोल करके इनपुट करते हैं, कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को. सो इट इज एन इनपुट डिवाइस. तो फर्स्ट वन इज फॉल्स चिल्ड्रन. सेकेंड वन, यू कैन नॉट टाइप योर नेम इन नोटपैड. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड वन, कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. एज वी नो चिल्ड्रन, कर्व टूल से हम कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ना कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू विल राइट हियर एफ फॉर फॉल्स. देन मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. दिस वन इज राइट. सो फोर्थ वाले के सामने आप
ट्रू लिखेंगे दैट मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस. जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कोई भी रिजल्ट हम मॉनिटर पर देख सकते हैं. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर सी चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज अ डिवाइस यूज टू गेट रिजल्ट ऑन पेपर. डैश इज अ डिवाइस यूज टू गेट रिजल्ट ऑन पेपर. सो चिल्ड्रन प्रिंटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू गेट रिजल्ट ऑन पेपर. वॉट एवर रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर चिल्ड्रन दैट कैन बी और मॉनिटर चिल्ड्रन दैट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर यूजिंग द प्रिंटर. नाउ ऑब्लिक बटन इज यूज टू डिवाइड ऑन कैलकुलेटर. इस ऑप्शन को यूज करके हम कैलकुलेटर में डिवाइड कर सकते हैं या डिविजन कर सकते हैं. देन सीडी रोम इज सर्कुलर इन शेप. एज वी नो सीडी रोम इज सर्कुलर इन शेप. देन चिल्ड्रन पॉलीगन टूल इज यूज टू मेक अ शेप विथ एनी नंबर. पॉलीगन टूल को यूज करके हम कोई भी शेप बना सकते हैं जिसमें एनी नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं. विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस revision and now we are going to start today's topic. Now children, from today we are going to revise all the questions given in the chapter. We are going to start from chapter 6. As we know, the syllabus of evaluation 3 is chapter 6 to 9. So we will be revising all the questions from the back of these chapters. तो आज हम revise करेंगे chapter C में जो दिए गए हैं पीछे question उनको आज हम solve करेंगे और revise करेंगे. So children let us start. हमारा chapter 6 है. Open chapter 6 children. Our chapter 6 is input and output devices. हमारा chapter 6 input and output devices है. In this chapter children we have studied about input devices. So let us recall the chapter. Chapter 6 revision. We are going to do revision. Revision mein we will do chapter 6, that is input and output PUT put devices. DYDVICES devices. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. नाउ चिल्ड्रन अब इस इन लेट अस डिस्कस व्हाट इज इनपुट डिवाइस. चिल्ड्रन एज वी नो इनपुट डिवाइस जो होता है ये जो इनपुट डिवाइस है इसे हम इनपुट इसलिए कहते हैं क्योंकि गिविंग इंस्ट्रक्शंस. जो भी बहुत बार मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इज अ मैनमेड डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? एक मैनमेड डिवाइस है. तो जो जब भी हमें कोई काम कंप्यूटर से करना है तो वी गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकता है, डाटा के फॉर्म में हो सकता है या कमांड के फॉर्म में हो सकता है. तो हम उन्हें डाटा प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर कमांड देते हैं टू परफॉर्म एनी वर्क. विदाउट आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस और डाटा इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म इवन अ सिंगल टास्क. एक छोटा से छोटा काम भी वो नहीं कर सकता है. तो इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है या डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है. इनको हम इनपुट कहते हैं. सो चिल्ड्रन जो भी हम कंप्यूटर को कहते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं. सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क. इज कॉल्ड इनपुट. नाउ चिल्ड्रन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड इनपुट. सो चिल्ड्रन कंप्यूटर से कोई भी काम कराने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको, कुछ कमांड्स देते हैं या कुछ डाटा प्रोवाइड कर सकते देते हैं करते हैं इसको हम इनपुट कहते हैं. वी कॉल इट एज इनपुट. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी वर्क इज कॉल्ड इनपुट. अब चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू गिव दीज इंस्ट्रक्शन वी नीड सम डिवाइसेज. अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना है कंप्यूटर को तो उसके लिए हमें कुछ
डिवाइसेस की जरूरत होती है. इन डिवाइसेस को हम कहते हैं, दीज डिवाइसेस आर नोन एज, इन डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस. दीज डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइस. डिवाइसेस, डिवाइसेस यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस और कमांड आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. अब इनपुट तो हमको समझ में आ गया कि जो कमांड, इंस्ट्रक्शन या डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं. अब इनपुट, इनको इनपुट करने के लिए, इन इंस्ट्रक्शंस और डाटा को इनपुट करने के लिए वी नीड सम डिवाइसेस. दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. एंड चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर, फर्स्ट इज कीबोर्ड. एक तो कीबोर्ड हो गया. देन वी हैव माउस. We have mouse, then we have joystick, joystick हो गया. Then we have microphone, microphone हो गया. Then we have, after that children, we have webcam, webcam हो गया. And then we have children, webcam के अलावा we have scanner. स्कैनर हो गया. तो चिल्ड्रन, दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. अब हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसके बाद हमने कंप्यूटर को, और उसके बाद चिल्ड्रन वी नीड द रिजल्ट. वी वांट रिजल्ट. आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शन वी नीड रिजल्ट. अब रिजल्ट हमको कहाँ मिलता है? रिजल्ट हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है. द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ अ इनपुट इज कॉल्ड आउटपुट. अब इनपुट किए हुए इंस्ट्रक्शंस को या डाटा के प्रोसेसिंग के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. तो रिजल्ट विच वी गेट, और द फाइनल रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. अब आउटपुट चिल्ड्रन, पहले हम इनपुट हमने समझ लिया. इनपुट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड इनपुट. उसके बाद डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस यूज टू गिव द इनपुट और यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. दीज कैन बी कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, और ये सारे हो गए आपके इनपुट डिवाइसेस. बिकॉज यूजिंग दीज डिवाइसेस चिल्ड्रन we give instructions to the computer. इनको यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. नाउ चिल्ड्रन, विल राइट आउटपुट. आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट. अब इनपुट जो हमने प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, उसके प्रोसेसिंग के बाद वी गेट द रिजल्ट. दैट रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट. सो आउटपुट, the final result we get after the processing is called output. तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, अब आउटपुट, जैसे कि हमको इनपुट देने के लिए वी नीड सम डिवाइसेस, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से यहां पे हमें आउटपुट के लिए भी वी नीड सम डिवाइसेस. सो चिल्ड्रन, मेनली द आउटपुट डिवाइसेस विच वी हैव आर, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, मॉनिटर. उसके बाद दूसरा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर. और दूसरा लास्टली वी हैव आउटपुट डिवाइस एज स्पीकर. स्पीकर से भी हमें आउटपुट मिलता है, इसलिए वी कैन से स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है. सो चिल्ड्रन, द डिवाइसेस विच आर यूज टू गिव द आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. यहाँ पे हम स्पीकर को यूज करके हम यहाँ पे हम
अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस को यूज करके वी कैन गेट द फाइनल रिजल्ट. इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. सो जिन किसी से भी हम जिस किसी डिवाइस से भी हमको आउटपुट मिलता है हम उसको आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं. जैसे कि मॉनिटर जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट वी कैन सी ऑन द मॉनिटर. एंड इफ यू वांट टू गेट इट प्रिंटेड यू कैन गेट प्रिंटेड ऑन पेपर यूजिंग द प्रिंटर. एंड इफ यू वांट टू हियर टू एनी बाय हियरिंग यू वांट टू गेट सम रिजल्ट दैट इज थ्रू स्पीकर. तो इस तरह से चिल्ड्रन हम किसी भी डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और जिससे भी हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. तो चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू वी हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द एक्सरसाइजेस गिवन एट द एंड ऑफ द बुक विच आर ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टॉपिक्स ओनली दैट इज इनपुट एंड आउटपुट. तो चलिए हम पीछे के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं. आपको इनपुट आउटपुट एक बार रिवाइज कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस विच आर गिवन एट द back of the chapter. So at the back of the chapter we have a recapitulation point that or the self evaluation. In self evaluation we find out how much we can learn we have learned in the chapter. So children, self evaluation, after reading the chapter I know these points. I know that the devices through which we give commands and instructions to the computer are called input devices. So, I know that the devices through which we give commands and instructions to the computer are called input device. So, वो device जिनसे हमें जिनसे हम कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. जस्ट नाउ वी हैव रिवाइज्ड. देन आई नो दैट कीबोर्ड माउस स्कैनर माइक्रोफोन webcam, all these are input devices because using these devices we provide input to the computer. Then the other term is I have learned that the devices through which we get the final result or we can view the result are called output devices. I know that printer, monitor and speakers are the output device. So this is all children for from the chapter. Now let us do the exercises. Take the correct answers. Now we are going to take the correct answer. First one is keyboard. So first one is children A. A bhi humare paas hai. Tick the correct answers. Answer. Now first hai keyboard. K-E-Y. अभी हमने क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन रिवाइज किया था. सो आई नो यू मस्ट बी नोइंग द आंसर. एंड एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइस ऑफ डैश डी ई वी आई सी ई डिवाइस. नाउ हियर ऑप्शंस आर चिल्ड्रन ए इनपुट डिवाइस इनपुट देन बी आउटपुट and C we have as storage device. तो हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको input device बोलेंगे. Keyboard is a input device, output device और storage device. So just now children we studied that कि जो ये हमारा keyboard होता है it is used for giving instructions. हम इसको use करके instructions दे. So using the keyboard we can give instructions or command to the कंप्यूटर. सो इट इज एन इनपुट डिवाइस. तो हम इनपुट के ऊपर यहां पे बॉक्स में हम टिक करेंगे एंड यू विल राइट इनपुट डिवाइस. हम इसे इनपुट डिवाइस कहेंगे. ठीक है. कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस. उसके बाद सेकेंड वन चिल्ड्रन टू. अब टू में हम लिखेंगे A dash is used to play games on computer. A dash is used to play games. P-L-A-Y. Play games on computer. C-O-M-P-U-T-E-R. Now. अब ए पे है स्कैनर एस सी ए डबल एन ई आर स्कैनर. बी
प्रिंटर PRINTER प्रिंटर, उसके बाद वी हैव सी में हमारे पास है जॉयस्टिक जॉयस्टिक। नाउ चलिए अब डैश इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम स्कैनर को यूज के पिक्चर्स को स्कैन करते हैं या किसी भी चीज को या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्ले गेम्स। देन प्रिंटर, प्रिंटर से हम पेपर पे किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं एंड यूजिंग अ जॉयस्टिक वी कैन प्ले गेम्स। तो हम यहाँ पे जॉयस्टिक के सामने टिक करेंगे। जॉयस्टिक को यूज करके वी कैन गिव, वी यूज जॉयस्टिक टू गिव इंस्ट्रक्शंस व्हाइल प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलते टाइम हम जॉयस्टिक से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जॉयस्टिक को यूज करके वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन व्हाइल प्लेइंग गेम्स। तो यहाँ पे वी विल राइट जॉयस्टिक एंड हियर ऑल्सो यू विल राइट JOYSTICK स्टिक, जॉय स्टिक। नाउ सिमिलरली थर्ड वन, थर्ड में हमारे पास है डैश इज एन इनपुट डिवाइस। डैश इज एन इनपुट डिवाइस। चलिए ये यू वॉन्ट बी एबल टू सी, लेट मी राइट। सो चिल्ड्रन, कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस and joystick is used to play games on computer. Keyboard is an example of input device and joystick is used to play games. Now next one children, we have third one. In third one we have dash, third, ye three hai. Dash is an input device, device device which is used to capture a photograph cam se hum photograph catch karte hain. So is a dash device. So children, here what will you write? You will write A mein microphone hai, MICRO micro, PHONE phone, microphone. Fir B hai webcam. Uske baad hai hamare paas C mein hamare paas hai speaker, SPAKER speaker. तो यहाँ पे हमारे पास है चिल्ड्रन, वी हैव थ्री क्वेश्चन, वी हैव थ्री ऑप्शन। डैश इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू कैप्चर अ फोटोग्राफ। अब वॉट इज दैट, किससे हम फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं? दैट इज वेब कैम, इसे हम वेब कैम कहते हैं। सो यूजिंग अ वेब कैम वी कैन कैप्चर अ फोटोग्राफ। As we know, microphone is used to speak. We can give instructions through talking or giving speaking. Or webcam, say we can capture a photograph. So you will write here webcam. C-A-M, cam is an input device which is used to capture a photograph. Or speaker ke through we can listen to anything, chahe wo video ho, film ho, ya gana ho, hum kisi cheez ko sun sakte hain. Matlab jo dekh nahi sakte, hum sun sakte hain, sun karke kisi cheez ko hum wahan se samajh sakte hain. To here speaker can't be the answer, photo hum webcam se karte hain, to webcam is the answer. So children, here we have fourth one. In fourth one we have a printer. A dash is used to get the result, R-E-S-U-L-T, result on a paper. A dash is used to get a result on a paper. So children, through what we can get result on paper? Let us see. Here we have A mein hamare paas hai printer, uske baad B में हमारे पास है स्पीकर, S-P-E-A-K-E-R, स्पीकर्स, एंड थर्ड में वी हैव
video. So children, here we have three options. First one is printer, second one is speaker, and third one is video. So children, अगर हमें किसी भी चीज को प्रिंट करना है पेपर में तो we use printer. तो यहाँ पे आंसर विल बी प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर. तो आप यहाँ पे प्रिंटर के आगे टिक का निशान लगाओगे. और प्रिंटर इज यूज टू गेट द रिजल्ट ऑन पेपर. प्रिंटर जो है इससे वी कैन गेट रिजल्ट ऑन पेपर. यूजिंग अ प्रिंटर वी कैन गेट रिजल्ट ऑन पेपर. सो हियर यू विल राइट प्रिंटर इज यूज्ड टू गेट द रिजल्ट ऑन पेपर. तो यहाँ पे हम प्रिंटर के आगे सही का निशान लगाएंगे. तो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कम टू द एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्टली वी हैव स्टडी दैट कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. और सेकेंडली जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. थर्डली वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू कैप्चर अ फोटोग्राफ. थर्डली अ प्रिंटर इज यूज टू गेट द रिजल्ट ऑन अ पेपर. अ प्रिंटर इज यूज टू गेट रिजल्ट ऑन पेपर. नाउ चिल्ड्रन दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर वन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. वी हैव नेम द फॉलोइंग. इसी चैप्टर में चैप्टर सिक्स में वी हैव सम स्टेटमेंट्स. यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. सो चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. इनके लिए हम इनके नाम लिखेंगे. सो हियर वी हैव नेम NAME नेम द फॉलोइंग F फॉर लोइंग नेम द फॉलोइंग. ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट वाला है नेम द फॉलोइंग में हमारे पास फर्स्ट है. फर्स्ट इज द instructions we give to the computer. The instructions we give to the computer. The instruction we give to the computer. COMPUTER computer. The instructions we give to the computer. So children, the instructions which we give to the computer are called. So the children, the instructions which we give to the computer are called input. The instructions which we give to the computer are called input. So here you will write INPUT input. The instruction which we give to the computer is called input. तो जो भी instructions हम computer को देते हैं उसको हम input कहते हैं. Now second one children, the result we get from the computer, here we will write with blue. Input, INPUT, input. Now second one children, the result RESULT, result we get from the computer. The result which we get from the computer is dash. The result which we get from the computer is output. The instruction which we give is called input and the result which we get is called output. So here you will write OUT, out, PUT, put, output. So children, this is output. Now third one is device used as a pointing device. So third is the device, device, device used as pointing device, POINTING, pointing device is called mouse. Pointing device, the device which is used as pointing device is mouse. Mouse को हम pointing device की तरह use करते हैं. So the device which is used as pointing device is called mouse. Is a mouse. Now device used to get result on paper children. Device, fourth one, device, device, device used to get result
on paper, on P A P E R, paper, is printer, is children printer, P R I N T E R, printer, the device which we get, which is used to get result on paper is printer, the device which is used to get result on paper is printer. So children, with this we have come to the end of this video. Please go through the exercises which we have revised today. We will meet once again in our next video. Till then, thank you.